हेलो गाइस, मैं हूं नईम और आप देख रहे हो पैटर्न मास्टर जी। तो गाइस, नेक्स्ट क्लास में हम बनाएंगे ये पैंट। तो ये पैंट का जो बेस पैटर्न है इसको बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे स्लीव्स का मैंने बना रहा था बेस पैटर्न दिखाया, उसके बाद स्लीव्स का बहुत टाइप का डिज़ाइंस है, बट थोड़ा थोड़ा करके आपको बेस पैटर्न का आइडिया दे दूँ। फिर उसके बाद पैंट पे आ गए, तो पैंट के बाद दो तीन पैंट का डिज़ाइन दिखाएंगे। पैंट का तो है बहुत सारा डिज़ाइंस है, ठीक है, तो इसी टाइप का देखो, ये बहुत सारे टाइप का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको दो तीन करके हर एक कैटेगरी का, यानी जैसे पहले जो शुरू किया था बास्ट ईयर में जैसे दो चार क्लास बनाया था, उसके बाद फिर आ गए स्लीव्स, उसके बाद कॉलर में भी सेम है, दो तीन क्लास आपको बेस पैटर्न दिखा दिया है, उसके बाद जो और भी डिज़ाइंस है आगे वो फिर बाद में दिखाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज़ की आपको एक्सपीरियंस मिलता रहे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखो पैटर्न का बहुत टाइप का पैटर्न है, लेकिन ये जो पैंट की पैटर्न अगर दिखाते जाऊँ तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, फिर आप लोगों को भी मतलब एक ही टाइप का मिलता रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा करके जैसे दो तीन पैंट की पैटर्न बना देंगे, उसके बाद फिर और किसी स्कर्ट में चले जाएंगे, फिर और उसके बाद फिर चले जाएंगे लॉन्ग सूट में, या फिर उसके बाद फिर चले जाएंगे ब्लेज़र में, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके दो तीन क्लास मतलब हर एक चीज़ की आपको दो तीन क्लास करके दिखाएंगे, फिर जहाँ पे स्टॉप होगा, जैसे पैंट का अगर इसी जगह पे स्टॉप होगा तो नेक्स्ट और किसी दिन फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है इस यहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो हर एक पैटर्न हमें याद है कहाँ कहाँ से हमने स्टॉप कर रहा हूँ, जैसे बास्ट ईयर में कौन सी जगह पे हमने स्टॉप किया था उसी जगह से फिर स्टार्ट भी करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज़ की आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, तो मेरे ख्याल से वही सही रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर एक ही टाइप का पैटर्न आप लोगों को भी बनाने में अच्छा नहीं लगेगा ना, जिससे बास्टियारी डिज़ाइन बनते जा रहा है, बनते जा रहा है आगे, और कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो इसी वजह से जहाँ जहाँ पे ऐसा लगे तो दो तीन क्लास आपको एक एक डिज़ाइन का दो तीन क्लास करके फिर नेक्स्ट इसमें चलेंगे, क्योंकि आपको हर एक टाइप का कम से कम एक्सपीरियंस मिलता रहे। फिर ग्रेडिंग पे चलेंगे, जो ग्रेडिंग होता है जो हर एक पैंट की जो साइज़ होता है, जैसे मिडिल साइज़ जो हमारा होता है 36 का अब ग्रेडिंग जैसे होता है 38 40 42 या फिर नीचे 34, ऐसा जो ग्रेडिंग होता है तो वो भी ग्रेडिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपको सिर्फ कुछ बेस पैटर्न का ही आइडिया दे देंगे, ठीक है, दो तीन क्लास करके। जैसे पैंट का मैंने दिखाया है बहुत टाइप का पैंट है, लेकिन दो तीन पैटर्न ही आपको बना के दिखाएंगे, फिर बाद में उसी जगह से मतलब जहाँ से स्टॉप हुआ था उसका नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है गाइज, ऐसे ही आपको मिलता रहेगा ट्यूटोरियल वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो गाइज ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक बेस पैटर्न बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।